ये जो अनुच्छेद 370 हटाया मित्रों, आज आप मोदी का विरोध कर लो, अमित शाह का विरोध कर लो, लेकिन 20-25 साल बाद तुम्हारे नाती पोते कहेंगे कि एक मसीहा आया था इस देश में जिसने भारत माता की छाती से 370 का खंजर निकाला था। भाई वाह वाह, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, कब तक फ्री खाओगे? इस फ्री के चक्कर में मित्रों पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हालत न कर बैठना जहां तुम्हें जबरन धर्मांतरण कराना पड़े, जहां तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ जाए, ऐसे फ्री के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो नहीं पढ़ता हूं। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। सब लोग परेशान हैं कि इतना कुछ हो गया, मोदी जी खामोश हैं, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, मोदी जी क्यों खामोश हैं। तो इसका जवाब राणा अय्यूब ने दे दिया परसों, उन्होंने एक ट्वीट की। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनका कोट उन्होंने ट्वीट किया है कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं ना तो रास्ते में कुत्ते भौंकेंगे, तो भौंकने वाले कुत्तों को अगर आप पत्थर मारेंगे और उनको जवाब देंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। राणा अय्यूब ने तो पता नहीं किस हिसाब में कहा था, लेकिन ये उन्हीं को जवाब है और उन जैसे भौंकने वाले बाकी सबको जवाब है कि मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी जब कोई क्राइसिस आता है तो पहले काम की तरफ तवज्जो देते हैं, उनका काम बोलता है। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने उतरते थे तो पीछे से लोग बड़े मशवरे देते थे, बाहर बैठे हुए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये सचिन को इस तरह बॉल खेलनी चाहिए, इस तरह बॉल खेलनी चाहिए। जब सचिन से पूछा गया कि यार लोग इस तरह आपके बारे में बात करते हैं, तो सचिन ने कहा था कि मैं नहीं जवाब देता, मेरा बैट जवाब देता है। और आज इतिहास गवाह है कि सचिन कहाँ है और जो बोलने वाले थे वो कहाँ हैं। तो काम बोलता है मोदी जी का। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चाइना की है, चाइना में वैक्सीनेशन सेंटर की ये सूरत हाल है। इस तरफ भी आप देख लें, इसके नीचे वाली वीडियो भी देख लें, ये दोनों वीडियो चाइना की हैं, जहां पे वैक्सीनेशंस के लिए मारा मारी है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मीलों। किसकी बात हो रही है? ये चाइना की बात हो रही है। भारत के किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे ये हाल है? चाइना जिसने के पहले वायरस बनाया, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह ये वायरस डेवलप हुआ। पहले ये वायरस अपनी वुहान लेबोरेटरी में डेवलप किया, इसके बाद इसकी वैक्सीन भी बना ली थी, जब भी चाइना में शुरू में नहीं फैला। लेकिन आपको पता है कि वैक्सीनेशन की भी डेट होती है, तो ये तो अब 1.5 साल पुराना हो चुका है, 1.5-2 साल हो गए इस वायरस को। तो चाइना में अब वापस वैक्सीनेशन के लिए, तो ये लाइनें आप जो देख रहे हैं ना, मीलों लंबी लाइनें, और दरवाजे के ऊपर जो हाल आप देख रहे हैं वो अलग। ये है चाइना का हाल। आपको वो इंडिपेंडेंस रिपोर्ट्स याद होंगी जो लास्ट ईयर जब चाइना में आउटब्रेक हुआ था, कि हजारों लोग, कई मिलियन मोबाइल के डेटा गायब हो गए थे, कि जो जिनके पास मोबाइल सिमें थी वो नहीं मिली, क्योंकि आफ्टर ऑल एक डिक्टेटर कंट्री है, वहां से कोई चीज बाहर नहीं आती। भारत की तरह नहीं है जहां पर भौंकने वाले कुत्ते हर गली में बैठे हुए हैं, जिनको सोरोस और पता नहीं कहां कहां से पाकिस्तान चाइना से पैसे आते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं, वो भी मेरा एक अलग टॉपिक है, जर्नलिस्ट वल्चर्स के नाम से वो अलग वीडियो में बना रहा हूं। आज मैं उन पॉलिटिशियंस की बात करना चाह रहा हूं, केजरीवाल हैं, ये राहुल गांधी हैं, कमलनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता हैं, ये सब के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। शुरुआत करते हैं हमारे अजीम नेता हजरत केजरीवाल। डॉक्टर अनस, हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, पिछले कई महीनों से जब से कोरोना का
संकट आया है तब से वो जीटीबी हॉस्पिटल में लोगों की कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे और 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हो गया। इसका हमें बेहद अफसोस है और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और कोरोना से सरकार संघर्ष कर पा रही है। मैं भी उनके पिताजी से बात कर रहा था, उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं और मैंने जब उनके पिताजी से पूछा कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको तो आप हमें बताइएगा, तो इनका जो कहना था, इनका कहना था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार, इनका परिवार पूरी तरह से देश के काम आए। ऐसे वक्त में जब एक जवान बेटा, 26 साल की उम्र थी डॉक्टर अनस की, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 26 साल की उम्र के बेटे को अभी 10 दिन पहले खोया और उसके बावजूद किसी पिता की इस तरह की सोच होना, जब मैंने उनको 1 करोड़ का चेक दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कभी भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार मुल्क के काम आए, देश के काम आए। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अगर आप जी। मेरा बेटा अनस वो 9 मई को ड्यूटी पे था और लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस पे हमें सब्र करना है, पेशेंट से काम लेना है, लेकिन उन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने जो मेहनत की है, जो तगड़ो की है, जो जद्दोजहद की है। अब आपने देखा, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। पहले मैं शुरुआत करता हूँ केजरीवाल साहब के इस जवाब से। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ऑक्सीमीटर पहुंचा रही है, हर गांव में, हर गली मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के साथ घर जाएंगे, मदद करने जा रहे हैं। पहले दिल्ली को तो संभालो, सबसे ज्यादा हाल तो दिल्ली का खराब है, पहले दिल्ली को तो संभाल लो। दिल्ली में तुम्हारी प्रोग्रेस ये है कि जीरो, हर चीज में जीरो। ये भारत ने दुनिया को ज्ञान जो इतने सारे दिए हैं उसमें ये जीरो भी भारत की तरफ से इजाद हुआ था। जब ये काउंटिंग इजाद हुई थी अलजेब्रा वगैरह में, तो जीरो दुनिया को भारत ने दिया था। आज उस जीरो का सबसे ज्यादा फायदा ये उठा रहे हैं। इन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, अपना ये सेकंड टेन्योर है इनका, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, कोई नई बस अपने उसमें ऐड नहीं की है, कोई नहीं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट इनका है नहीं। नमस्कार, ये पहला देश होगा जिसका प्रधानमंत्री अपनी मेहनत करके हड्डी हड्डी गला देता है, इसके बावजूद भी कुछ लोग पॉलिटिशियन अगर अपनी बात विरोध करें समझ में आता है, उनकी तो दुकानदारी पिछले 7-8 साल से बंद हो गई, लेकिन अगर आम जनता का कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो बड़ा दुख होता है और तब ये महसूस होता है कि ये देश अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम कैसे बना था। अब आप खुद समझिए कि जिस देश के अंदर 1924 में टिटनेस का टीका इंट्रोड्यूस किया गया और भारत के अंदर वो पहुंचा 1978 में, एंसीफ्लाइटिस का टीका 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया जापान के अंदर, जो भारत में पहुंचा 2013 के अंदर, 1955 में पोलियो का टीका इंट्रोड्यूस हुआ, भारत में पहुंचा 1978 में, 1982 के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका इंट्रोड्यूस किया गया जो भारत के अंदर पहुंचा 2005 के अंदर, 1998 के अंदर रोटा वायरस का टीका इंट्रोड्यूस हुआ जो भारत के अंदर पहुंचा 2015 में, और जो कोरोना पिछले साल 2020 में हिंदुस्तान के अंदर आया, 2021 के अंदर भारत ने अपना टीका इंट्रोड्यूस कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में, जिस पर गर्व करना चाहिए, उसकी जगह ही उस आदमी को गाली देते हैं। ऐसे हैं लोग, जिस आदमी को पूरे वर्ल्ड में 5 मोबी मुस्लिम
मुस्लिम कंट्री ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया हो, जिसको रशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया हो, जिसको फिलिप कोटलर पुरस्कार मिला हो, जिसको यूएन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया हो, जिसको सियोल के अंदर शांति पुरस्कार मिला हो, जो भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, उस पर गर्व करना चाहिए। उसकी जगह ये लोग नादानी में उसको गाली देते हैं। और तो और, आप खुद समझिए, ये तो साक्षात बात है कि आज से यानी 15 अप्रैल को जब कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा, ऑक्सीजन की कमी हुई, मात्र 4,800 मेट्रिक टन इस देश के अंदर उत्पादन होता था, आज 8,900 मेट्रिक टन का उत्पादन रातों रात कर दिया गया, ऑक्सीजन ट्रेनें चला दी गई और इंतजाम कर दिए गए। उसके बाद उस आदमी के ऊपर उंगली उठाते हो, शर्म नहीं आती? जिस में आपने एक चवन्नी का योगदान नहीं दिया, वो लोग खास करके कहते हैं कि पीएम केयर फंड का हिसाब दो। अब आप खुद बताइए, जिस पीएम केयर फंड ने 2200 करोड़ रुपया टीके में, 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपया प्रवासी श्रमिकों के लिए, 1000 करोड़ रुपया पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के लिए, उसके अलावा 2 कोविड हॉस्पिटल बिहार के अंदर, इसके अलावा 1,00,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए खर्च किया हो, जो चौन्नी द्वन्नी देने वाले तो हिसाब मांग रहे हैं, जो 1500 जो लाखों हजारों करोड़ रुपया दे रहा है उनको हिसाब की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने अपने 7 साल के शासन काल में 15 नए एम्स, 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 2,23,000 करोड़ का हेल्थ बजट कर दिया, जिसके राजकाज में भारत पीपी किट्स में, मास्क में वर्ल्ड का नंबर वन मैन्युफैक्चरर बन गया, जिसने अपनी तरफ से कोरोना काल में दूसरे को विपत्ति काल में सहायता दी, आप उस आदमी को शर्म आनी चाहिए, उंगली उठाते हुए आप महसूस करिए कि यह आदमी हमको मिला है, वरदान है। इसके बाद आप खुद समझिए, 9.5 करोड़ असली किसान, असली बोलूंगा, असली जो किसान काम वाला है, उनको सम्मान निधि 2,000 रुपए की राशि हर क्वार्टरली देना, साल में 3 बार देना। इसके पश्चात महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन पहुंचा देना गांव के अंदर, 20,00,000 करोड़ का पैकेज दे देना। इसके बाद आप कहती हो उससे मोदी काम नहीं करता है। 43,000 करोड़ रुपया जो आपने कर्जा जो पुरानी सरकारों ने ईरान का हमारे देश के ऊपर रखा था, उस 43,000 करोड़ को निपटाना, गैस कनेक्शन को महिलाओं के गांव गांव तक फ्री देने के बाद आप कहते हो पेट्रोल डीजल का भाव क्यों बढ़ गया? जिसके बगैर आप ऐसा भी नहीं है कि कल से गाड़ी चलाना छोड़ दोगे, अगर 2 रुपए या 4 रुपए बढ़ जाती है तो। और जिन हथियार जो भारत के पास भी, आपने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, इस शख्स ने अपने शासन काल में 4,26,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल, 6 अरिहंत सबमरीन, 1 पनडुब्बी न्यूक्लियर, 7,50,000 एसॉल्ट राइफल, 145 होवित्जर तोप और 5 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो इसराइल के अंदर है उसी तरीके से रशिया से S-400 आने वाला है, इसकी डील कर ली। जब आप कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, इस आदमी ने कर लिया। और आप लोग, खास करके वो लोग जो मोदी के थोर विरोधी हैं, इस तरीके की वाहियात बातें करके उसके खिलाफ करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और एक बात और कहूंगा, मनमोहन सिंह साहब ने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो पहले इस चीज का आंसर दीजिए कि आप जो नए नए सजेशन देते रहते हैं, पूरे देश में टीकाकरण फ्री कर दो, हर बेरोजगार को 6,000 रुपया दे दो, आर्थिक पैकेज निकाल दो, दुनिया भर की और सारी सुविधाएं कर दो, अरे कहां से आएगा पैसे, ये भी तो बताओ, ये भी बताओ। आप केवल नाश लगाने के लिए हो देश का? आप केवल रोड़े अटकाने के लिए हो देश का? आपको बताना पड़ेगा यह आएगा कहां से पैसा, वरना उसको अपना काम करने दो, मोदी को जो कर रहा है। और मोदी जी, मेरा भी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने बहुत काम किया है रोजमर्रा, पानी का, शौचालय का, बिजली का, रोड का,
सड़कों का, रेलवे का। बस महसूस हो रहा है कि एक तरफ इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरा ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य के ऊपर शहरों में और गांव में, बस ये काम कर देंगे, खिलाफ फतेह हो जाएगा आपका, आपको सलाम हम जैसे सारे लोग मारेंगे, बाकी जिनको बेवकूफ है, जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि मूर्ख और मृतक अपने विचार नहीं बदल सकता। जय हिंद। केजरीवाल साहब की मेरे पास बहुत सारी वीडियो है, मैं सारी आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक वीडियो में वो फरमाते हैं, उनकी पुरानी और नई वीडियो को कंबाइन करके चल रही है, वायरल है, कि इन्होंने पहले कहा था कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए और ये और वो, और बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो प्रोविंसेस को देना चाहिए, स्टेट्स को देना चाहिए। इस तरह की इनकी कई वीडियोज़ हैं जिसमें इनका समझ नहीं आती कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इतनी सारी मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं वो सारी आपको दिखा नहीं सकता। ये अभी इन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान अगर हम पे हमला करता है तो क्या दिल्ली की रक्षा के लिए हम अपने टैंक खुद खरीदें और अपने हथियार खुद खरीदें और अपनी आर्मी खुद बनाएं? क्या आपको ऐसे नेताओं के होते हुए कोई बाहर से दुश्मन की जरूरत है? कि इनकी परफॉर्मेंस सिवाय मुसलमान मोजिनों के, मौलवियों के, मदरसे के टीचर्स की सैलरीज बढ़ाने के अलावा और कुछ है? हज हाउस बना दिया, टोटल मुस्लिम वोट की अपीजमेंट पे लगे हुए हैं। मुसलमान भी भारत के शहरी हैं, ठीक है उनका करें, लेकिन सबको बराबरी के उस पर करें ना। और मुसलमानों के लिए अभी आप का क्या कर रहे हैं? लेपा टोपी कर रहे हैं आप, सिर्फ मौलवियों को मोजिनों को वो कर रहे हैं। चले जाएं जरा चांदनी चौक पुराने दिल्ली में, उनकी डेवलपमेंट नहीं कर रहे। आम मुसलमानों को भी समझना होगा कि सारा पैसा तो वक्फ बोर्ड और बड़े बड़े मौलवियों को जाता है। जाके मौलवी साद की प्रॉपर्टीज देख लें, इमाम बुखारी की प्रॉपर्टीज देख लें, इनके बच्चों के और इनके लाइफ स्टाइल देख लें। मौलवी लीडर जितने भी हैं ना, चाहे वो अजमेर नगरी के सज्जादा नशीन हो या आपके दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन हो, इनकी आधी जिंदगी बाहर गुजरती है। मैं ऐसे इन सज्जादा नशीनों से पर्सनली जानता हूं, ये आते थे हमारे पास एमक्यूएम के लंदन ऑफिस में, इनके बच्चे यहां पढ़ते हैं। जब हम अजमेर गए थे अल्ताफ भाई के साथ, तो दिल्ली से हम बाय रेल गए थे, बाय ट्रेन गए थे शताब्दी से के जरिए वाया जयपुर अजमेर। तो जब हम अजमेर स्टेशन पर उतरे तो हमें गाड़ियां लेने आई, करोड़ों रुपयों वाली गाड़ियों में बैठ के, एक दो नहीं कई गाड़ियों में। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये भारत की स्टेट हमें इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है, दिल्ली में तो हमें किसी ने भाव नहीं पूछा था स्टेट की तरफ से। हम अपनी खुद गाड़ियों का अरेंजमेंट करके, से टैक्सियों का अरेंजमेंट करके, मैं खुद रक्शे में बैठ के जाता था जामा मस्जिद खाना वाना खाने के लिए। मस्जिद में तो एक बार भी मैं नहीं गया, उधर का खाना वाना मुझे पसंद था, मैं उधर खाना खाने जाता था ऑथेंटिक खाना। वो मुझे वहां पर मौर्य शेरटन का खाना खा के थक गए थे। आपके शारजा में जितने मैच होते थे, इसमें ये सारे सज्जादा नशीन अपनी फैमिलीज के साथ देखने जाते थे। बड़े बड़े मौलवियों के बच्चे यहाँ यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, भारत में इनकी कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं। तो मुसलमानों को समझना होगा, जो दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में, निजामुद्दीन की गलियों में या जामा मस्जिद के सामने जो चांदनी चौक के इलाके में छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे डरबे जैसे घरों में रह रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं ये मौलवी और ये वो, और इनकी अपीजमेंट में लगा हुआ है नेता आज का। तो ये है केजरीवाल का आपके सामने फेस। अब आते हैं जरा ये बीबी की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी निगम पार्षद राधिका एब्रॉल। मुझसे बहुत से लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली ट्विटर पे पूछते हैं कि तुम इतना प्रचार प्रसार करती हो बीजेपी का, मोदी जी का, आखिर मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है बताइए? ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि किया क्या है बताइए। अब काम बताने के लिए तो मेरे पास है बहुत चीजें, लेकिन एंड में जो मैं आपको बताऊंगी ना, उससे आप भी अग्री करेंगे। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब आप अपने पेपर्स को अटेस्ट करवाने जाते थे, कोई गेजेटेड ऑफिसर टाइम देता था, कोई नहीं देता था। मोदी जी ने ऐसी सुविधा कर दी कि खुद अटेस्ट करो ना, अपने पेपर्स खुद अटेस्ट करो, क्यों जाना है किसी के पास। इसके अलावा राशन कार्ड, हर चीज को उन्होंने आधार से लिंक कर दिया।
उस चक्कर में कई सारे जो मिडल मैन थे ना, जो दूसरा शब्द मैं बोल नहीं सकती आपके आगे, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई, वही तो अनएम्प्लॉयड है इस वक्त, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ गई इतनी। मोदी जी ने कौन सी नौकरी से निकाल दिया किसी को? इसके अलावा रोडवेज, हाईवेज जिस स्पीड से बने, क्या वो स्पीड पहले थी? इसके अलावा कई महिलाओं को, बेटियों को जो शौचालय की सुविधा प्रोवाइड हुई, गैस सिलेंडर प्रोवाइड हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, क्या उनका धर्म पूछ के हुई है? क्या उनकी जाति पूछ के हुई है? ये सब मोदी जी ने ही किया है। और सबसे बड़ी बात, 370 वगैरह तो अब लोगों के मुंह पर रट गया, राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, अयोध्या एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने करी और जो कोई और नहीं कर सकता था, वो है हिंदू को हिंदू होने पर गर्व महसूस होना। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जो बड़े बड़े नेता देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आज उनका एमएलए बनना मुश्किल कर दिया मोदी जी ने। आज वो मंदिरों में जाना शुरू हो गए। आप बता दीजिए 2014 से पहले जाते हो तो, आज तो कोई छोटा मंदिर भी उनके रास्ते में आ जाता है ना रैली के, तो वहां भी मत्था टेकने लगे हैं। तो मेरे देश को, मेरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का निर्माण कार्य मेरे प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं ये इस टाइप की वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि खाली आप मेरी तरफ से नहीं, उन भारतीय लोगों के भी जवाब सुन लें जो इन विरोधियों को जवाब दे रहे हैं, जो मोदी विरोध में भारत विरोध कर रहे हैं। भाई आप ये देखें कि एक इशू को राणा अयूब और अरफा खानम शेरवानी और पता नहीं बरखा दत्त, ये देखें, मैंने एक नाव ली, कश्ती ली और मैं उन दरियाओं के विजिट पे गई जिसके बारे में कहा गया कि वहां पे लाशें बह रही हैं और वहां पे ऐसे इतनी लाशें मिली हैं। मैं वो ये जब मेरी अम्मी कहा करती थी कि जो सबसे गंदा कौवा होता है ना, वो घू के ढेर पे जाके बैठता है। ये इनकी मिसालें बरखा रानी की, राणा अयूब की। भाई मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल प्रेस तक को ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंगा दरिया से इतनी लाशें मिली हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं, यूपी के बारे में ये सारा ड्रामा हो रहा है। पहली बात तो ये कि यूपी का ये हाल है कि यूपी के बारे में इतना डिसइंफॉर्मेशन हो रहा है। 6 हफ्ते पहले यूपी में 39,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, लखनऊ में 20,000 केस रिपोर्ट होते हैं पर डे, आज यूपी में 100 केस हो रहे हैं रिपोर्ट। 6 हफ्ते में योगी जी ने सफाया करके रख दिया, केजरीवाल क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब तक कुछ नहीं कर पाए। इतना सा दिल्ली है यूपी के मुकाबले में, 10-12 गुना ज्यादा यूपी की आबादी है। उस यूपी के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहां पे गंगा दरिया से लाशें मिल रही हैं, ये वो। मैं सवाल करता हूं आप सब से कि इतने न्यूज़पेपर हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं जो कैमरा लेके गली गली में घूम रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंगा में से इतनी लाशें मिली, कोई एक परिवार मिला है जिसने कंप्लेंट की हो कि हमारी लाश नहीं मिली हमें हॉस्पिटल से, कहां गई? मतलब वो लाशें किसकी हैं? अगर ये हकीकत है तो ये भी रिपोर्ट हो चुका है कि ये पुराना केस था जिसको के आज एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये बहुत पहले का केस था। कोई एक है मैं वो ढूंढ रहा हूं कि ये एक पहले का कोई केस था जिसमें ये लाशें, ये कोई एक परिवार आया है, आगे बढ़ के उसने कहा हो कि हमारे को हॉस्पिटल ने लाश नहीं दी, हमारे जो फला रिश्तेदार मर गए थे, माँ बाप या भाई या शोहर या बीवी या बच्चा, उसकी लाश हमें नहीं मिली। किसी की तो वो लाशें होंगी ना, कोई क्लेम करने के लिए तो एक आदमी नहीं आया, तो झूठा एक प्रोपेगेंडा। आपको पता ही है कब से, कुछ महीनों बाद यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब वो इनको पता है कि योगी जी तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, तो अब जैसे अखिलेश अभी से दम क्या दे रहे हैं या समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले 2.5-3 साल से, जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है।
जो काम ये आज कर रहे हैं सरकार बनने के बाद समाजवादी ममता मॉडल रिपीट करना चाह रहा है जो बंगाल में हुआ, वो ये रिपीट करना चाह रहा है कि अगर हम जीतेंगे। बेटा तुम जीतोगे तो नहीं ना, और मोदी जी इतनी जगहों से जीत रहे हैं, बीजेपी मुख्तलिफ स्टेट से जीत रही है, मरकज में जीत रही है, फेडरेशन में, इसके बावजूद मोदी जी ने तो ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई की नहीं, लेकिन ये लोग इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मोदी जी है ना, उनका काम बोलता है, वो भारत के डिफेंस को भी स्ट्रांग कर रहे हैं। ये विद इन द कंट्री दो किस्म के गिद्ध हैं, वल्चर्स, पॉलिटिशियन और लेफ्ट का सोशल मीडिया, मीडिया, बॉलीवुड, मतलब एक आपके ये विशाल दादलानी है जो रोज एक ट्वीट मार रहे होते हैं एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, और साफ कहते हैं कि मेरा किसी हिंदू धर्म वगैरह से ताल्लुक है नहीं। माल ये यहां से बना रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्ट है म्यूजिक वो हिंदू सुन रहे हैं, वो कमा के दे रहे हैं इसको, खा इंडिया कर रहे हैं और छुरा भी पीठ में इंडिया के यही मार रहे हैं। इस टाइप के बॉलीवुड ये हैं, इन सब से मोदी जी लड़ रहे हैं, भारत का डिफेंस स्ट्रांग कर रहे हैं। मोदी जी जो पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं ना, उसके बारे में भी बड़ी चर्चा हो रही है कि मोदी जी की प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी ये है कि साल का 1000 करोड़ रुपया खाली कराया जा रहा है मुख्तलिफ आपके जो मिनिस्ट्रीज है जो उधर इसमें, उनको सबका किराया बच जाएगा वंस ये बन जाएगा तो। और ये जो बन रहा है ना, ये भी कांग्रेस ने 2012 में अपनी सरकार में 35,000 स्क्वायर मीटर पे 3,000 करोड़ रुपए के खर्चे से बनाने का कहा था, मोदी सरकार उससे डबल एरिया में 65,000 स्क्वायर मीटर पे बना रही है और 862 करोड़ रुपए का बना रही है। एक साल का 1000 करोड़ किराया बचेगा। प्रायोरिटीज की जब बात करते हैं ना, तो डिफेंस को स्ट्रांग कर रहे हैं। आपको पता है कि एक छोटे से छोटी बंदूक, बुलेट प्रूफ जैकेट, इवन हेलमेट तक फौजियों के बाहर से आते थे। क्यों आते थे? इसलिए नहीं कि भारत नहीं बना सकता था, इसलिए कि किकबैक्स मिलती थी, खाली बोफोर्स में से किकबैक नहीं मिली थी, अगुस्ता में से किकबैक नहीं मिली थी, बेशुमार इनके किकबैक के जरिए थे। मोदी सरकार ने वो सारा छोटा बंदूकें बनानी, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने, हेलमेट बनाने, ये सब विद इन द कंट्री शुरू किया। आपके इवन वेंटिलेटर और ये ऑक्सीजन चीजें और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये भी एज सच यहां पर नहीं बन रहे थे, ये सब मोदी सरकार ने बनाने शुरू किए हैं। आपने इस मेरी वीडियो के शुरू में एक वीडियो देखी थी, आप लोग याद करोगे, इतिहास में याद करोगे कि भारत में एक कोई लीडर आया था जिसने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, और इनके ऊपर इल्जाम लगता है हिंदुत्व गवर्नमेंट का। ये सरकार भी मुसलमानों का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन जो कि मैं कह रहा हूं गलत है, क्योंकि आप मुसलमानों का नहीं, मुसलमान कम्युनल लीडर्स को का ख्याल रख रहे हैं, और ये मुसलमान कम्युनल लीडर ना भारत के दोस्त हैं ना भारत के मुसलमानों के दोस्त हैं, ये भारत के मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। अब आ जाते हैं सारे फसाद की जड़, कांग्रेस, कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनकी तरफ आने से पहले मैं आता हूं कमलनाथ जी की तरफ। कमलनाथ जी क्या कहते थे, चीन, चाइनीज कोरोना, चाइनीज कोरोना, आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी के, जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, ये शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं, आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है, और इसमें दबा देने से, छिपा देने से,
आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। चाइनीज कोरोना कभी भी नहीं कहेंगे, इंडियन कोरोना तो इनकी टूल किट में, इसलिए टूल किट पे बात नहीं कर रहा कि उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और उस पर यूट्यूब भी वीडियो नहीं चलने दे रहा, तो इसलिए मैं उस टूल किट को तो मैं वो कर ही नहीं रहा, उस पर काफी चर्चा हो गई है। कभी इन्होंने, ये अरफा खानम शेरवानी फरमाती हैं कि व्हाट्स रॉन्ग अगर इंडियन वेरिएंट कह दिया तो बीबी आपने कभी इस वायरस को चाइनीज वायरस कहा है? नहीं कहेंगी ना, क्योंकि आपकी तनख्वाह आती है, आपको पैसे इस चीज के नहीं मिलते कि आप इस वायरस को चाइनीज वायरस कहें, जो कि पैदा चाइना में हुआ, जानबूझ के पैदा किया गया और जानबूझ के डाला गया है। चाइना की इकोनॉमिक इंपीरियलिस्टिक डिजाइंस का हिस्सा है ये, लेकिन आपको इंडियन वेरिएंट कहते हुए एक मिनट शर्म नहीं आती? यही कमलनाथ का मसला है। फिर कमलनाथ की और जो आप हिपोक्रेसिस देख लें जरा, मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं, उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट, केवल दो लाइन और कोई पाठ पढ़ाने नहीं चाहते, ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ रहना पड़ेगा। से हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये दृष्टि किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर, इसका काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, बराबर कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी खड़ी है, ये बात यही पर रिपीट करना होगा कि खरीदी जो खड़ी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है, बदबख्त आदमी अखिलेश यादव की तरह हार चुका है, इसलिए आज भूल गया है कि ये जो हजारों करोड़ की इनकी प्रॉपर्टियां हैं वो इसी देश को खाके इन्होंने बनाई हैं, और आज मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। इसराइल पे एक छोटा सा चूजा है हमास, वो हमला कर देता है तो पूरी ओपोजिशन आगे खड़ी हो जाती है, और वो ओपोजिशन नेतन्याहू को पसंद नहीं करती। इसराइली पार्लियामेंट में इन्होंने, सारे ओपोजिशन पार्टियों ने यूनाइट होके नेतन्याहू के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दें, लेकिन जब वक्त आया, देश की बात आई, सब खड़े हो गए नेतन्याहू के पीछे। और ये बदबख्त ऐसे हैं कि मोदी विरोध में देश के खिलाफ चल पड़े हैं, और एक कमलनाथ के ऊपर ये बात नहीं आती है। ओवैसी को ले लें आप, ओवैसी की सारी पॉलिटिक्स ही एंटी इंडिया चलती है, ओवैसी के बच्चों के लाइफ स्टाइल आप जाके देख लें, 7-star लाइफ गुजारते हैं। बात किसकी करेंगे? गरीबों की, हैदराबाद में गरीब लोगों की, गरीब मुसलमानों की, और वो मुसलमान बेवकूफ ऐसे नेताओं के पीछे चलता रहता है। अजीज दोस्तों, मैं इन सबको जवाब दे सकता हूं, राहुल गांधी इसका मैं क्या करूं? राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूं? भारत, हमारे पाकिस्तान में एक कॉमेडियन है ना, इमरान खान, ये भारत के कॉमेडियन। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इफ यू अलाउ 97% ऑफ पीपल टू बी, जितनी आप कहो मैं आपको वीडियो इसकी कॉमेडी पोटेंशियल विक्टिम्स ऑफ कोरोना, जावेद अख्तर जैसा बदबूदार आदमी,
जो कि भारत का एक और बदबूदार आदमी है जिसने सारी जिंदगी भारत का खाया है, लेकिन आज भी ये अपने उन इन्वेडर्स पे फखर करता है। जावेद अख्तर ने भी कह दिया कि कम से कम राहुल गांधी तो इस काबिल नहीं है कि इसको ओपोजिशन लीडर भी बनाया जाए, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा गांधी का पोता है और जवाहरलाल नेहरू का पड़नवासा है, इसलिए बस ये क्वालिटी है जो अखिलेश यादव में भी है, जो लालू के भी बेटों में भी है, जो ठाकरे साहब के बेटों में भी है। तो ये उसी बुनियाद पे भारत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स को ये जिंदा रखे हुए हैं और उस पर चल रहे हैं। अजीज दोस्तों, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, मोदी जी के सपोर्ट में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, आप मुझे भक्त कहें, कुछ भी कहें, हालांकि मैं भी इस सारे जो सेकंड वेव के साथ जब मामला शुरू हुए तो मैं भी कई जगहों पे बैठ के सोचता था कि यार यहाँ पे मोदी जी ने गलती की, यहाँ पे की। फिर जब मैं बैठ के धीरज से सारे मामला को बैठ के देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार भारत लकी है कि भारत को ऐसा लीडर मिला है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इस आदमी से करप्शन नहीं निकाल सकते, मतलब आप कहीं से भी इनके ऊपर करप्शन का आरोप तो कोई दुश्मन भी नहीं लगा सकता। इससे बड़ी बात क्या होगी कि छोटे से छोटे ठेके में लोग हजारों हजारों करोड़ रुपया खा जाते थे, आप योगी जी पे, मोदी जी पे कोई करप्शन का कोई आरोप लगा सकता है? काम करने के तरीके पर फर्क हो सकता है, तो बात वही सचिन तेंदुलकर वाली आ जाती है कि जो बैटिंग कर रहा है उसको बैटिंग करने दें, ही नोज बेटर। आप ये अपने आप को बड़े इंडियन नेशनलिस्ट मानते होंगे, आप देशभक्त होंगे, सब कुछ होंगे, तो मोदी जी भी तो है ना भाई, नेशनलिस्ट तो है ना, उन पर आरोप ही सबसे बड़ा ये है कि वो भारतीय नेशनलिस्ट हैं। जब से 2002 से गुजरात के जमाने से आरोप तो इनके ऊपर यही है ना कि ये प्योर इंडियन नेशनलिस्ट हैं। बड़े से बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सब ने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, और यही लिखते थे कि यू कैन नॉट फाइंड करप्शन, ए सिंगल पेनी करप्शन। जो कुछ करते हैं अपने देश की, अपने इंडियंस की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आज का इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे वो हैसियत रखता है जो पिछली किसी सरकार में नहीं थी। पिछली सारी सरकारों में दूसरों बाहर से हर चीज आती थी, आज का भारत पार्टनर है इंटरनेशनल पावर्स का। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, जिसको देखें, यूरोपियन यूनियन से आपके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इंग्लैंड से एग्रीमेंट हो रहे हैं, सऊदी अरब $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा हुआ है, अमेरिका भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स आके भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आपके सिंगापुर है, छोटा सा देश है लेकिन बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है। केजरीवाल साहब ने बड़ी कोशिश की कि उसको, उसके साथ आपके ताल्लुकात खराब किए जाएं, देख लें। टूलकिट का एक नया लेवल, देश को गिरा दो, भले कुछ भी कर दो, मोदी से
वही नफरत है, कुछ भी करना पड़े, जागो जागो हिंदू जागो कमीनो, अरे अरे राजू। बड़ी कोशिश की कि सिंगापुर के साथ मामला खराब हो और सिंगापुर ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन सिंगापुर ने भारत या मोदी जी को नहीं, डायरेक्ट केजरीवाल को टारगेट किया। तो बड़ी साजिशें हो रही हैं और इस क्राइसिस के पीरियड में बजाय इसके कि आपके सारे नेता मोदी जी के हाथ मजबूत करते, इन्होंने भारत दुश्मनी का इंतहा कर दी। अजीज दोस्तों, मेरे पास इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, वरना ऑलरेडी मुझ पे भक्त का इल्ज़ाम लग चुका है। भक्त की हालत यह है कि अभी जॉब से आके मैंने फ़ौरन ये वीडियो बनाई है और बस हम जानते हैं कि हम किस तरह वो कर रहे हैं। हमें कोई बीजेपी वाला कोई, बल्कि बीजेपी लंदन के जो सदर बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, सो कॉल्ड सदर हैं, वरना यहाँ पे बीजेपी ऑफिशियली तो कोई ऑफिस है नहीं, लेकिन एक साहब हैं जो अपने आप को बीजेपी यूके का चीफ कहते हैं, वो हर ग्रुप में हर जगह पे मेरे बारे में यही कहते हैं कि इससे बात नहीं किया करो, ये पाकिस्तानी एजेंट है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप अपने तौर पे पता कर लें। तो मुझे बीजेपी या भारत सरकार से कुछ नहीं मिलता, ना मुझे चाहिए कुछ। मैं अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमाता हूँ और मुझे कुछ इंडियन प्राइवेटली पेपाल के जरिए कभी कभी कुछ भेज देते हैं, 5 पाउंड 10 पाउंड 50 पाउंड, तो वो उससे मेरे को थोड़ा बहुत सहारा हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं कभी सरकार के उस पर नहीं गया, ना जाऊंगा। मैं सच बोलता हूं, मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूं। मैं समझता हूं कि मोदी इज़ ए ब्लेसिंग फॉर इंडिया और एवरी इंडियन शुड सपोर्ट हिम। बाकी आप इन बॉलीवुडियों से अपने ये जो हैं, विशाल दादलानी की मैंने जैसे मिसाल दी, आपको ऐसे बॉलीवुड में बेशुमार लोग मिल जाएंगे, कुणाल कामरा टाइप के लोग, शुआरा भास्कर, ये जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं, अरुण धत्ती टाइप के लोग, वो भारत के लिए नुकसानदेह हैं। इन्होंने कभी, ये हमेशा अपने फॉरेन मास्टर्स को खुश करने के लिए उनके एजेंडे को प्रमोट करते हैं। मोदी का कोई फॉरेन मास्टर नहीं है, मोदी की अपनी जेब ही नहीं है इसके कुर्ते में कि उसको अपने पैसे उसमें डालने पड़े, ना अपने किसी रिश्तेदार को उन्होंने दिया है कुछ। आपके सामने है कि उनकी माँ कैसे रहती हैं, उनके भाई क्या करते हैं और ये खुद कैसी सादा जिंदगी गुजारते हैं। तो फील ब्लेस्ड टू हैव सच ए लीडर। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं विनोद शर्मा करनाल हरियाणा से। दोस्तों, मैं एक ऐसे परिवार से हूं जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार, पहले दादाजी को वोट करते देखा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद मैं। राहुल गांधी जी ने जब यूथ कांग्रेस में इलेक्शन सिस्टम शुरू किया, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन लड़के वो युवा कांग्रेस का इलेक्शन भी जीता और पार्टी के लिए काम किया। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन दिल पर एक बोझ है जो मैं आप लोगों से साझा करने आया हूँ। पिछले एक लंबे अरसे से पार्टी का चरित्र मैं देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से साझा करने की, और जितने मेरे कांग्रेसी साथी हैं या हमारे लीडर जिनको हम मानते हैं वो हैं, एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ। कोविड काल भी देखा, दिल्ली के दंगे भी देखे, किसान आंदोलन भी देखा, बंगाल की हिंसा भी देखी, विरोध भी देखे। अगर ये हमारी पार्टी का चरित्र है, राम राम दोस्तों ऐसी पार्टी से, वजह बताता हूँ, विरोध नहीं है। आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग अगर गलती कर रहा है तो बच्चों का फर्ज है उसको बताए, लेकिन वो बुजुर्ग अगर मानने को तैयार नहीं थे, या तो बच्चे घर छोड़ दें या बुजुर्ग को निकाल दें, फैसला देश करेगा और पार्टी का उन लोगों को करना है जो अपना दिन रात भूख प्यास अपनी 10 उंगलियों की कमाई का हिस्सा उनको देती है, लड़ते हैं इनके लिए ग्राउंड लेवल पे। दोस्तों, पार्टी अध्यक्ष और उनका बेटा बहुत लंबे टाइम से पार्टी अध्यक्ष बने हुए, कोई आवाज़ नहीं,
कहीं तो आवाज आती। दूसरी चीज, करप्शन में जमानत पे विरोधी जब पूछते हैं कि वर्ल्ड की फोर्थ रिचेस्ट लेडी गई है पॉलिटिशियन कहां से आया पैसा, कोई जवाब नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले महात्मा गांधी की जो पोती है उनकी डेथ की खबर आई 3-4 दिन पहले, उस परिवार का कभी कुछ नहीं सुनने में आता। हमारे लिए गांधी परिवार की दूसरी चीज, हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं, दिल्ली दंगों से पहले जनता को सड़क पे उतरने को बोलती। यूपीए गवर्नमेंट में हमारे वित्त मंत्री रहे और नंबर 2 की पोजीशन पर रहे चिदंबरम साहब, अभी मात्र 2-4 दिन पहले लोगों को सड़क पे उतरने को बोलते। हमारी पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हुए सांसद लोग पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानियों की मदद लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। पार्टी अध्यक्षा और राहुल गांधी जी चीन के राष्ट्रपति से एक समझौता करते हैं, जब उसकी वीडियोस और फोटोज सामने आती हैं जवाब नहीं दे पाते किस चीज़ का समझौता था। कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं, 10 साल की सरकार होते हुए राहुल गांधी जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई जवाब दे ही नहीं, राज करो क्यों, इनके लिए वर्किंग करेंगे? जिन्हें राम जेठमलानी जैसे सीनियर वकील ने ये कह के नकार दिया कि ऐसे आदमी को मैं अपने ऑफिस का चपड़ासी भी रखना पसंद नहीं करता। लेकिन ये बात प्रूव करती है कि राहुल गांधी जी सदैव जिम्मेदारियों से भागे हैं, हम अपना लीडर मान रहे। छुप के डोकलाम के टाइम पे चीनी राजदूत से मिलते और पहले मना करते रहे, लेकिन जब फोटोज वीडियोज मीडिया में आ गई तब चुप हो गए। दिल्ली में बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं, दिल्ली इलेक्शंस की बात कर रहा हूं जी, जहां 1000 से कम वोट मिले पार्टी को। शीला दीक्षित के टाइम पे 2 बार राज करने वाली पार्टी 1000 से कम वोटों पे विधानसभा में आ गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने बेच दिया हमें पार्टी को, या कोई गुप्त समझौता कर लिया आपने? किसके लिए लड़े? कोविड काल में आप मान के चले ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है वो काम कर रहा है, चाहे वो अनाज बांट रहा है, चाहे वो दवाइयां बांट रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपने पार्टी का चेहरा होते हुए क्या किया? आप विश्व की 4थी सबसे अमीर महिला हैं, 70 साल राज करने वाली पार्टी की अध्यक्ष हैं आप, देश देख रहा है आपकी तरफ, पूरी पार्टी, पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, लेकिन जब लोग पूछते हैं नजरें नीची हो जाती है हमारी। मानसरोवर पे भी राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा ही किया, दिल्ली दंगों पे आप लोग कुछ नहीं बोले। हाथरस में पूरी पार्टी एक टांग पे खड़ी थी हमारी, टिकरी बॉर्डर पे जब एक बंगाल की लड़की के साथ किसान आंदोलन के नाम पे गैंगरेप, जी हाँ गैंगरेप होता है ना, आप बोली। एक ऐसी पार्टी जो 70 साल से है उसकी महिला अध्यक्ष हैं आप, कुछ नहीं बोली। माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि आने वाले टाइम में कमान संभाल सकती हैं, चुप। क्या ये चरित्र है हमारी पार्टी का? नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं था, इस परिवार ने ऐसा बना दिया और हम लोग अपने निजी स्वार्थों में इतने डूब गए कि विरोध तो हम करना ही भूल गए। कास्टिज्म के नाम पे ये पार्टी लड़वाती है। असम में एक ऐसे आदमी के साथ एक गठबंधन करती है हमारी पार्टी जो देश तोड़ने की बात करता है, इस्लाम का पक्षधर है, तो कई बार मेरे मन में ख्याल आता है ये कांग्रेस नहीं, ये मुस्लिम लीग है। हाँ दोस्तों, मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग है। सोचने की बारी आपकी है दोस्तों, बहुत सोच के ये चीजें मैं कह रहा हूं। टीवी पे पार्टी के प्रवक्ता कई बार ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। पार्टी के सीनियर लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, हर उस केस में जो देश के विरोधी है, मोदी के विरोध है, खड़े होते हैं, कोई एक्शन नहीं। तो लोगों ने मान लिया है कि आपको शय है। ईद पे बड़े बड़े होल्डिंग लगवाने वाले हमारी पार्टी के नेता, राम मंदिर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो हम ये क्या समझें, ये मुस्लिम लीग है या कांग्रेस पार्टी है?
सबसे ज्यादा वोट बैंक हिंदुओं का मिलता है आपको, लेकिन आपने नकार दिया। तब सोचने की बारी देश की है। दोस्तों, मैंने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, जो अब भी ढो रहे हैं उनके सोचने की बारी। देश एक करवट ले रहा है, सब मिलके इसके निर्माण में अपना योगदान दें और सवाल करें, जो मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं, सवाल करें। एक माँ बाप जो बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, उसका अधिकार होता है पूछना कि तूने ये गलत काम किया कैसे। हम इसको इसी परिपेक्ष में अगर देखें, हमने जिंदगियां लगा दी, अपनी पीढ़ियां लगा दी, अगर ये कुछ गलत फैसला वहां बैठ के करते हैं तो आप लोगों का उतना ही अधिकार है इनसे पूछने का, अगर ये कुछ गलत फैसला करते हैं और अगर ये नहीं समझते और नहीं मानते तो आपका फैसला आपके हाथ में। दोस्तों, इतना ही कहूंगा, देश को आगे बढ़ाने में, देश को संगठित करने में साथ दीजिए, जी जान लगा दीजिए। जो अब वहां किया था वो देश के लिए करना है। धन्यवाद साथियों।